सर सुबह से सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे खबर बोल रही है कि कैसे गांधी मंडी में गाय के काट दी गई, पूरा क्या मैटर, क्या कार्रवाई की? सुबह देखिए जैसे न्यूज मिली कि इस प्रकार लोगों ने दुष्प्रचार किया, क्योंकि बिना किसी वेरिफिकेशन, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफएसएल रिपोर्ट के, या ऐसे ये कहना कि गाय काटी गई है, तो ऐसी खबर चलाई गई बादरा के चिड़ियाघर के गांव से। तत्पश्चात पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने उस व्यक्ति के घर से जिन पर आरोप लगाया गया फ्रीज से लगभग 3-4 किलो मांस भी सीज किया। उस मांस का वेटनरी के डॉक्टर से हमने वेरिफिकेशन करवाया तो उसका यही कहना था कि ये भैंस के बछड़े का या बकरे का ये मांस हो सकता है। प्रथम दृष्टया उसकी रंग और अन्य दृष्टि से उसने यही बताया, और ये चीज कंफर्म करने के लिए कि ये एक्चुअल में मांस जो है वो किसका है, हमने एक एफएसएल की टीम बुला ली है। आज ही सैंपल बीकानेर भेज रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो कल शाम तक या परसों तक उसकी रिपोर्ट आ जाए। इस ह्यूमर के बेसिस पर, इस एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने चलाया कि इस प्रकार चिड़िया गांधी गांव में गाय काट दी गई है, और कुछ लोगों ने बिना कोई समय दिए, बिना कोई इस प्रकार का एक ठोस बात किए, रास्ता रोक दिया, मार्केट बंद करा दिया। तो उसके बाद में और एसपी साहब भी इस मौके में आए, और अभी हमने जो लोग इस मूवमेंट में शामिल हैं उनको बुलाया, बातचीत भी की। इन लोगों ने 5-7 बिंदु दिए हैं कि चिड़िया गांधी गांव में क्या चल रहा है और सुबह की घटना किस प्रकार हुई। उनके पास भी एक भी सबूत ऐसा नहीं था जिस बेसिस पर वो कह सकते हैं कि गाय काटी गई। उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए हैं, सुबह की घटना का वृत्तांत भी सुनाया है। उनके मद्देनजर और गांव की शांति व्यवस्था के मद्देनजर हमने ये फैसला लिया है कि जो सैंपल है, जो इन लोगों ने भी कुछ घरों से इकट्ठा किया हुआ है, वो भी हम एक अलग जार में करके और एफएसएल रिपोर्ट के लिए भिजवाएंगे। वास्तविक स्थिति एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। इसके अलावा गांव में एक दूसरे में छिटाकसी या लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर कुछ ऑब्जर्वेशन इन लोगों ने दिए हैं, तो हम यही सुनिश्चित करेंगे कि गांव का हर व्यक्ति कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे, जिम्मेदाराना व्यवहार करे। हर समुदाय जो हनुमानगढ़ की कल्चर रही है कि जगह जगह जहाँ सब लोग रहते हैं भाईचारे प्रेम सद्भाव से रहते हैं, तो उसी परंपरा को आगे भी निभाते हुए हर व्यक्ति जो है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। और हम लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर अभी जाब्ता भी रखेंगे, अन्य प्रिकॉशंस भी रखेंगे। कुछ जांचों के बारे में इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इन बिंदुओं पर हम कर लें, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर जो उन्होंने सुझाव दिया है, जो व्यक्ति वार्ता के लिए आए थे, और इस आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर गहराई से जांच हो, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। लेकिन सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी व्यक्ति शांतिपूर्वक तरीके से अपने साथ में रहे, अपना बिजनेस करे, अपना कार्य करे, और मुख्य तो यही बात है। सब जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार के बाद में सांप्रदायिक तनाव का माहौल सा हो गया था, तो क्या जिन लोगों ने इस प्रकार का प्रचार किया, दुष्प्रचार किया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? हमने कुछ लोगों को चिन्हित किया सोशल मीडिया के माध्यम से, उनका डिटेल हमने तैयार कर ली है। अभी एक बार एफएसएल रिपोर्ट आ जाती है और एफएसएल रिपोर्ट कंक्लूजिव प्रूफ होगा, उसके बाद नियमानुसार जैसी कार्रवाई होगी उसके अनुरूप अगर ये अफवाह झूठी निकलती है तो निश्चित रूप से जो भ्रामक प्रचार फैलाने वाले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों को गुमराह करने वाले हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। तो जिस महिला ने इस प्रकार का प्रचार किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर ये घटना गलत प्रूव होती है, एफएसएल रिपोर्ट अगर जिस तरह की आती है उसके बाद उनके द्वारा इस प्रकार का गलत स्टेटमेंट दिया गया जिसके कारण इतना अफवाह फैली, उतने लोग मोबिलाइज होकर के रोड जाम किया और अन्य लोगों को इनकन्वीनियंस हुई, निश्चित रूप से उसमें काम निकाला। जी, थैंक यू।